हम देश भर की घटनाक्रम को देखेंगे विस्तार से। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कैदी की इलाज के दौरान हुई मौत, बुजुर्ग महिला यात्री की कटी गर्दन। हृदय विदारक घटना को सुन एसपी और विधायक पहुंचे पीड़ित के घर। आगामी चुनाव के चलते नेताओं के दौरे शुरू। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के छतरपुर जेल में बंद कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सजा याफ्ता कैदी सरमन आढ़िया हत्या के प्रयास में जेल में बंद था, लेकिन उसकी तबीयत अचानक बिगड़ जाने से जिला जेल से जिला अस्पताल लाया गया, जिसकी इलाज के दौरान ही मौत हो गई। मृतक सरमन आढ़िया को 8 साल की सजा मिली थी, वह 3 साल से जेल में सजा काट रहा था। मामले की जानकारी लगते ही CGM एवं नायब तहसीलदार सहित कोतवाली TI रहे मौजूद। पुलिस ने मृतक का PM कराकर परिजनों को सौंप दिया। हुई है कैसे कैदी की मौत हो गई है? इसका नाम सरवन पिता दिव्या है। ये 307 के केस में सजा हुई थी इसको 8 वर्ष की, और ये पूर्व से भी बीमार चल रहा था। मेडिकल कॉलेज में भी इसका इलाज चल रहा है। तो कल अचानक इसका सुबह 10 बजे करीब स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, तो अपने डॉक्टर साहब जो जेल में रहते हैं उनने देखा, फिर वहाँ से रेफ़र कर दिया इसको। अपने गार्ड से यहाँ अस्पताल ला के चेकअप करवाया और यहाँ भर्ती करवा दिया, पुलिस के हैंड ओवर कर दिया, और इसका इलाज चलता रहा। और ये इसकी कंडीशन ठीक थी। अचानक 4:30 पे गेट पे खबर आई कि जो बंदी आपका एडमिट था वो एक्सपायर हो गया। कौन से मामले में ये बंद था? 307 के मामले में 8 वर्ष की सजा थी, 5,000 रुपये जुर्माना न देने पर 1 वर्ष की सजा और थी। कितने वर्ष से ये अभी बंद था? ये अपने यहाँ करीब 2016 में बिजावर जेल से ट्रांसफर पे आया था सजा में। थैंक यू सर। बुजुर्ग महिला यात्री की कटी गर्दन। सतना से छतरपुर जा रही बस में बैठी महिला यात्री की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पन्ना साइंस कॉलेज के सामने बिजली के खंभे से टकराने के कारण महिला का सिर कट गया। महिला छतरपुर जिले की बक्सवाही की रहने वाली बताई जा रही है। यह बस अम्बे कंपनी की है। छतरपुर जिले के गुहारा में खेरा तिराहे के पास दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें एक कार अनियंत्रित होकर खेत में जा घुसी, जिसमें एक ही परिवार के 3 सगी बहनों की मौत हो गई थी। एक बहन गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस हृदय विदारक घटना की जानकारी लगते ही जिले के नए SP तिलक सिंह और बड़ा मलहरा विधायक पृथुमन सिंह लोधी परिवार का गम बांटने पीड़ित के घर पहुंचे और परिवार के गम में शामिल हुए। वहीं जिला SP ने गुहारा थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि हर आने जाने वाले वाहनों की बारीकी से जांच करें। यदि कोई भी वाहन चालक शराब पीकर वाहन चलाया पाए जाए तो सख्त कार्रवाई की जाए, और साथ ही पीड़ित परिवार को शासन स्तर पर हर संभव मदद देने की बात कही। ग्वारा से राजा राम साहू की रिपोर्ट। सब लोग तुम्हारे सहयोग में। नगर में बीते रोज जो घटना हुई है, मैं आप तो संबंध में यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? मुझे तो जैसे ही पता चला, मैं तो प्रदेश के बाहर था, शादी में गया था, मौके पर तत्काल हमारे पार्टी कार्यकर्ता भी आए, अधिकारी भी तत्काल पहुँच गए। और बड़ी दुर्घटना थी, हृदय विदारक दुर्घटना थी, असहनीय दुर्घटना थी। जैसा कि लोग बागों के द्वारा बताया जा रहा है कि अपना क्षेत्र बड़ा होने के बावजूद भी हॉस्पिटल की दयनीय स्थिति है, ना तो यहाँ पर कोई लेडीज स्टाफ है और केवल एक डॉक्टर के भरोसे चल रहा है, और शासन द्वारा PM हाउस तैयार कर दिया गया है, लेकिन आज तक उसको लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। उस संबंध में क्या कहेंगे आप? अपने यहाँ पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है, और अभी विधानसभा में हमारी मंत्री जी से चर्चा हुई थी, तो निश्चित रूप से जो यहाँ पर इच्छुक डॉक्टर हैं आने के लिए, उनके लिए हमारे पास नाम भी आए, और निश्चित रूप से सर आज जो दुखद परिजनों को आपके द्वारा सर क्या आश्वासन दिया गया है कि शासन स्तर से क्या मदद संभव उनको मिल सकती है? सर शासन स्तर पर जो भी संबल योजना के तहत जो सुविधा है वो अभी तहसील साहब से बात हुई है, उसकी जानकारी ली है, और जो भी शासन की ओर से सहायता हो अधिक से अधिक दिलाने का प्रयास किया जाएगा। माननीय SP साहब ने भी आज मौके का मुआयना किया है और पूरा देखा है जाके, और घटनास्थल पर और उसके संबंध में कार्रवाई हुआ है।
चुनाव नजदीक आते देख नेताओं ने दौरा करना शुरू कर दिया। मामला छतरपुर जिले के बिजावर क्षेत्र का है, जहां केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र खटीक ने आधा दर्जन से अधिक गांव का दौरा किया और ग्रामीण जनता की समस्याओं को सुना। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने का आह्वान किया और इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी बिजावर नगर परिषद अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता सहित कई भाजपा कार्यकर्ता रहे मौजूद। बिजावर से राकेश सिंह की रिपोर्ट। करोड़ होने, गरीबों को कभी सोची नहीं आती कि एक रुपया महीना में लकड़िया गट्टा उठाए वाले को भी बीमा हो सकता है, कभी सोचत नहीं आती। वो भी बीमा करा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को एक सुरक्षा कवच दो कि भैया आकस्मिक स्थिति में निधन हो जाए तो परिवार हेड टू ना हो जाए, कई घरों में तो दाह संस्कार के भी पैसा नहीं रहता, तो एक रुपया की भी किस्त भर भर रही हो कचू होगा तो 2 लाख रुपया